ये हो गया नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस, अब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, ये सारा चीज़ क्या है, एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। आईएससी ने क्या किया है कि जो रिएक्शन टाइम है वो रिएक्शन टाइम को 2.5 सेकेंड प्रोवाइड किया है, ठीक है। 2.5 सेकेंड कहा है इसको कि रिएक्शन टाइप आप 2.5 सेकेंड ले सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन ये 90% कवर करता है, मतलब 10% लोगों को ये कवर नहीं करता है। जनरली 90% लोग का रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड से कम ही होता है, लेकिन 10% ऐसे भी लोग हैं जिनका रिएक्शन टाइम 2.5 सेकेंड से ज़्यादा होता है। इसी का मतलब होता है क्या, 90% लोग। एस एस डी मतलब एस्टोपिक साइड डिस्टेंस, बी टी इज्कल बी टी प्लस वी स्क्वायर 2g f b, ठीक है। जहाँ पे ये क्या हुआ, वेलोसिटी, रिएक्शन टाइम, ये तो हो ही गया, ये f हो गया लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन, अब b हो गया ब्रेकिंग, ये हो गया ब्रेकिंग एफिशिएंसी। यहाँ से वैल्यू पुट करके एस एस डी आप निकाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन का बात करें तो 0.35 लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है ना, 0.35 से 4 तक वैरी करता है। इसके बीच में आप कोई भी डाटा ले सकते हैं, ये आर सी का रिकमेंडेशन है। लेटरल फ्रिक्शन 0.15 बाई आर सी, ठीक है, ये रिकमेंड किया गया है आर सी के द्वारा, ठीक है। एल इजक्वल टू होता है वी स्क्वायर 2g f b प्लस माइनस 10 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ग्रेडियंट होता है थीटा एंगल पर, अगर ग्रेडियंट होता है, असेंडिंग ग्रेडियंट हो या डिसेंडिंग ग्रेडियंट हो, ठीक है, तो इन दैट केस इसका जो वैल्यू होता है कुछ इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। और प्लस माइनस, तो ये प्लस कब कंसिडर करते हैं, जब असेंडिंग ग्रेडियंट होता है तो प्लस कंसिडर करते हैं, जब डिसेंडिंग ग्रेडियंट होता है तो माइनस कंसिडर करते हैं, ठीक है। सिंगल लेन वन वे अगर उस केस में है तो एस टी इजक्वल टू एस एस डी हो जाएगा। सिंगल लेन टू वे है तो एस डी इजक्वल टू मतलब साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 SSD हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से एक व्हीकल आ रहा है इस साइड से और दूसरे साइड से ये व्हीकल आ रहा है, तो दोनों को रोकना है, तो ये कुछ चल के रोकेगा, ये भी कुछ चल के रोकेगा, तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, 2 SSD, इसके लिए SSD और इसके लिए, मतलब इसके लिए SSD और इसके लिए SSD, 2 SSD हो जाएगा, इसलिए 2 SSD हो जाता है, ठीक है। और टू लेन टू वे, तो टू लेन टू वे लेन अगर दो हो गया तो फिर केस, फिर साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये सिंगल SSD के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है।